प्रतापगढ़ जिले में 3 दिन पूर्व हुई वीडियोग्राफर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने घटना के विषय में जानकारी दी। एसपी ने बताया कि वीडियोग्राफर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मृतक के दोस्त को पकड़ा गया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने गोली मारकर हत्या करने की बात कबूली है और आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। वहीं घटना का खुलासा करने वाली नगर कोतवाली पुलिस टीम को एसपी ने बधाई दी। इलाके में अजीत वर्मा नाम के युवक की हत्या कर दी थी, जिसकी डेड बॉडी प्रातः वहां बड़नपुर पीजी कॉलेज के पास चक्रों पर पाई गई थी। इस मामले में तत्काल पुलिस से संपर्क दिखाते हुए टीम गठित करके इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए सर्विलांस की मदद ली, जिसमें सी ओ सी टी ने लीड लेते हुए इस पूरे व्यक्ति का खुलासा किया और इसमें संदीप सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। संदीप सिंह ने यह बात कबूली है कि वह अजीत वर्मा का दोस्त था और कुल 6 दोस्त उस रात साथ में शराब की पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर जब बाकी दोस्त चले गए तो अजीत वर्मा मृतक और संदीप सिंह ये दोनों बचे थे, जिसमें इनके आपस में गाली गलौज हो गई और तैश में आकर संदीप सिंह ने अपने पास रखी हुई 32 बोर की पिस्टल से अजीत वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें ये बताना भी उचित होगा कि संदीप सिंह और अजीत वर्मा दोनों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।